नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है TTC गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमने डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले लिए हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे। तो कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोरोना काल में पढ़ाई नहीं कर पाए थे, उन्हें पता भी नहीं होता कि फार्मूलों को किस तरह से रीड किया जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो हम आपको रीड करके ही दिखाएंगे, वहाँ पर इन्हें तैयार कर लेना बिल्कुल, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन में यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम करेंगे समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। तो एक्स पावर अगर आइन हो कहीं पर, जो समाकलन का हमारा साइन होता है, ठीक, एक्स पावर जो dx है, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमें समाकलन करना है, ठीक। तो जब एक्स की पावर आइन कहीं पर होगा तो हम उसका समाकलन करेंगे एक्स पावर आइन प्लस वन अपॉन आइन प्लस वन, ठीक। अगर यहीं पर इसका वो डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंशियल अगर हो तो सब यही चीज़ होगी टोटल, ठीक। तो इतना तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला जो कांस्टेंट होगा सब यही चीज़ है, क्योंकि इंटीग्रेशन का उल्टा ही जस्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो इतना हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ए की पावर जो यहाँ पर लिखा एक्स पावर एन प्लस वन होता है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा एक्स पावर एन जो इधर यहाँ पर था, ठीक, ये वाला तो जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक। जब यहाँ पर वन अपान एक्स का dx हम करेंगे तो log x हो जाएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर log x का हम डिफरेंशियल करेंगे तो वन अपान एक्स हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही e की पावर x का अगर हम dx करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x का अगर हम dx यानी कि अवकलन भी करेंगे यानी कि डिफरेंशियल भी करेंगे तब भी e की पावर x ही रहेगा। इसी प्रकार a की पावर x का अगर हम dx करेंगे तब a की पावर x अपान log a हो जाएगा। इसी प्रकार ए की पावर एक्स अपान लोग ए का अगर हम करेंगे तो ए की पावर एक्स हो जाएगी। देखो इधर के उधर उल्टे ही हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं, एक बात याद कर लो, इधर से उधर वाले आप खुद ही समझ जाएंगे। ये साइन एक्स का डी एक्स हमें करना है तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार अगर माइनस कोस एक्स का डी एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। जैसे कोस एक्स का डी एक्स है तो साइन एक्स होगा। अब एक बात आपको बताएं, जहाँ से हमें सी से पॉइंट मिलेगा वहाँ पर हमारा माइनस स्टार्ट होगा, देखिए। इसी प्रकार अगर साइन एक्स का हम डिफरेंशियल करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स हम करेंगे तब टेन एक्स हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार जब टेन एक्स का हम डी एक्स यानी कि डी वाई अपन डी एक्स करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार कौशिक स्क्वायर एक्स का डी एक्स करेंगे तो माइनस कोट एक्स हो जाएगा। जब सी से स्टार्ट हुआ यहाँ पर तो माइनस आया। इसी प्रकार जब डिफरेंशियल करेंगे माइनस कोट एक्स का कौशिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर वाला उल्टा बिल्कुल है। ऐसे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डी एक्स करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार जब सेक एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, ठीक। ऐसे ही कौशिक एक्स कौशिक एक्स इंटू कोट एक्स का डी एक्स करेंगे तो माइनस कौशिक एक्स होगा। इसी प्रकार जब डी वाई अपन डी एक्स करेंगे माइनस कौशिक एक्स का तो कोट एक्स इंटू वो सॉरी कौशिक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू कौशिक एक्स होगा, ठीक, इधर उधर हो गया था। इसी प्रकार अब जो थोड़े बड़े पॉइंट के हैं, जैसे वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स, बहुत से लोग इसे पढ़ भी नहीं पाते जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं होता, हम भी नहीं पढ़ पाते स्टार्टिंग में। जब वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स करेंगे तब साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक, इसे इनवर्स बोलते हैं। इसी प्रकार जब साइन इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशियल करेंगे तब वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जस्ट इसी का उल्टा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा है वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जो पहले वहाँ पर था, इसमें केवल इतना अंतर कि सी से स्टार्ट हुआ माइनस कॉस इनवर्स हो गया, कॉस माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, क्योंकि जो साइन में था भाई इसमें है, केवल यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, क्योंकि साइन को एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर अगर उल्टा हो तो माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स का डी एक्स तो वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसी प्रकार अगर वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स करना तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसका उल्टा जब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तब वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही इसका और भी है, अगर माइनस कॉट इनवर्स एक्स है तो इसका ये भी होगा, क्योंकि केवल माइनस ही आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स में केवल यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस चाहे आप लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसी प्रकार से अगर वन अपान अंडर रूट वन वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का डी एक्स करेंगे तब सेक इनवर्स एक्स होगा, ठीक। ऐसे ही अगर हम सेक इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशियल करेंगे तब वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी ये भी हमारा आ सकता है, क्योंकि जब सी से स्टार्ट होगा सेक का कौशिक इनवर्स एक्स तो इसका एक और भी हो सकता है जो कि माइनस के साथ आएगा, माइनस कौशिक इनवर्स एक्स इसी का, ठीक। ऐसे यहाँ पर इसी का आएगा एक और जे वाला, सॉरी इसका,
माइनस कॉसेक इनवर्स, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है इसी तरीके से, वन अपन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसे ही जब कॉस एच एक्स का डी एक्स करेंगे तब साइन एच एक्स हो जाएगा, अगर साइन एच एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस एच एक्स हो जाएगा, इसी प्रकार साइन एच एक्स का डी एक्स करेंगे तो कॉस एच एक्स हो जाएगा, जब डिफरेंशियल करेंगे कॉस एक्स का तो डी एक्स साइन एच एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एच है। ठीक ठीक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।